दोस्तों आपको SS राजामौली की फिल्म बाहुबली तो याद ही होगी, जो दो भागों में बनाई गई थी। ये फिल्म इतने भव्य तरीके से बनाई गई थी कि दर्शक भी इस फिल्म को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए थे। इस फिल्म के बनने के बाद फिल्मकारों का ये सपना रहा है कि वो भी एक ऐसी ही फिल्म लेकर आए। तो वहीं राकेश रोशन अब अपनी हिट फिल्म क्रिश सीरीज के लिए बाहुबली का फॉर्मूला ही अपनाने की सोच रहे हैं। ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर राकेश रोशन उनकी आने वाली फिल्म क्रिश के चौथे भाग की घोषणा उन्हें तोहफे के तौर पर दे चुके हैं। खबरें सामने ये भी आ रही हैं कि क्रिश को अब बाहुबली की तरह एक साथ दो भागों में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ लिखा जा रहा है और उसे एक साथ बनाकर एक पार्ट के बाद कुछ दिनों बाद दूसरे पार्ट को रिलीज किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे बाहुबली का पहला भाग द बिगिनिंग और फिर दूसरे भाग को द कंक्लूजन के नाम से रिलीज किया गया था। राकेश रोशन के अनुसार क्रिश 4 का पहला भाग 2020 में सिनेमाघरों पर दस्तक देगा। क्रिश सीरीज की शुरुआत 2003 में हुई थी, लेकिन उसके पहले पार्ट का नाम कोई मिल गया रखा गया था। लेकिन फिर साल 2006 में क्रिश के नाम से उसका सेकंड पार्ट आया, लेकिन उसके टाइटल में पार्ट 2 नहीं लिखा गया था। लेकिन फिर साल 2013 में क्रिश 3 बनाई गई। तो अगर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कर देखें तो क्रिश और क्रिश 3 कोई मिल गया की ही सीरीज है। तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। ऋतिक रोशन ने भी इस बात पर कंफर्मेशन दी है कि क्रिश 4 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिल्म के बारे में हालांकि वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए हैं। इस बारे में बताते हुए ऋतिक रोशन कहते हैं, अभी फिल्म के बारे में बताने के लिए बहुत समय है, अभी बहुत टाइम बाकी है फिल्म के रिलीज होने में। अभी तक स्क्रिप्ट्स पर काम चल रहा है, बहुत कुछ फाइनल भी हो चुका है और बहुत सी बातें फाइनल होना अभी बाकी हैं। इस फिल्म के बनने की और इसके प्लॉट की तैयारी हो चुकी है। इस मौके पर ऋतिक रोशन ने उनकी बॉडी का राज भी बताया। ऋतिक रोशन कहते हैं कि वो क्रिश की सीरीज के लिए जिम में बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत करने के साथ साथ बहुत मस्ती भी करते हैं। उनका कहना है कि मैं जिम में बहुत मेहनत करता हूँ और जिम में हर रोज एक्सरसाइज करने के बाद मुझे अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऋतिक रोशन अपने स्टाइल, अपनी एक्टिंग और अपने स्टंट्स के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। इसी के साथ ये तो कंफर्म है कि क्रिश 4 में भी हमें बेहद इंटरेस्टिंग स्टंट्स देखने को मिलेंगे। राकेश रोशन इस फिल्म को 2020 और 2021 में रिलीज करना चाहते थे, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैली हुई है उस वजह से सब कुछ ठप पड़ गया है। पूरा भारत देश लॉकडाउन में चल रहा है, उसी वजह से सारी फिल्मों की शूटिंग रुकी पड़ी है। ऐसे में हमें लगता है कि फिल्म क्रिश 4 की रिलीज डेट थोड़ी आगे पोस्टपोन तो जरूर हो जाएगी, लेकिन उनके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि क्रिश 4 और क्रिश 5 में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। क्रिश के जरिए राकेश रोशन और ऋतिक रोशन ने इंडिया को अपना पहला सुपर हीरो दिया है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई इंडियन सुपर हीरो क्रिश को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब रिलीज होती है और वहीं ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन के ऑपोजिट कौन सी हीरोइन नजर आएंगी। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कंफर्म नहीं हुई हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि अभी तक क्रिश की हीरोइन का कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, आप क्रिश में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट कौन सी हीरोइन को देखना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।